बरनाला के सेखा रोड स्थित गुरु रामदास नगर में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब गुरु रामदास नगर में स्थित एक बैटरी की फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा लगातार 6 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के मुख्य कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, परंतु इस आगजनी से फैक्ट्री में पड़ा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं गनीमत रही कि घनी आबादी में चल रही फैक्ट्री से कोई जानी नुकसान होने से बाल बाल बच गया। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए फायर ऑफिसर हरिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें देर रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि सेखा रोड स्थित गुरु रामदास नगर में एक बैटरी फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। सूचना मिलते ही उनके विभाग के अधिकारी व कर्मचारी 2 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे, परंतु आग इतनी भयानक थी कि लगातार 7 गाड़ियों के पानी द्वारा 6 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फैक्ट्री में पड़े LPG सिलेंडर व केमिकल इलाका निवासियों के लिए बड़े खतरे का कारण बन सकते थे, परंतु फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत बाहर निकाला। सूचना मिलते ही थाना सिटी 2 के SHO बड़ी गिनती में पुलिस पार्टी को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। घनी आबादी में चल रही बैटरी फैक्ट्री में लगी भयानक आग को लेकर SDM बरनाला वरजीत वालिया ने संबंधित विभागों को जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना था कि घनी आबादी में ऐसी फैक्ट्री का चलना बेहद गलत है। बरनाला से हलचल के लिए अरिहंत गर्ग की रिपोर्ट।